हिमाचल की जो परंपरा रही सुखविंदर सिंह सुक्खू उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो वहीं उतने चिंतित भी हैं क्योंकि उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है सभी विधायकों ने। लेकिन राज्यसभा चुनाव के नतीजे आपको बता देते हैं, कल हुआ क्या। हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के हर्ष महाजन ने बाजी मार ली, जबकि बीजेपी की सरकार तक नहीं है वहां पर। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ गया, जबकि कांग्रेस की सरकार है। किस्मत ने हर्ष महाजन का साथ दे दिया, कैसे, दोनों नेताओं को 34-34 वोट मिल जाते हैं, यानी कि टाई हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, पर्ची लकी ड्रॉ खोला जाता है और जिसमें नाम आ जाता है पर्ची में हर्ष महाजन का। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 68, जिसमें बहुमत के लिए आपको चाहिए 35 वोट, लेकिन दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिल गए, जिसके बाद उनकी हार जीत का फैसला पर्ची पर लिखे नाम के जरिए किया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में असंभव सी दिखने वाली जीत को भी हकीकत में तब्दील कर दिया। तो हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में कौन जीता, किसकी वजह से जीता, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके आंकड़े हैं, हर्ष महाजन जीत जाते हैं, 34 वोट मिले, 34 ही अभिषेक मनु सिंघवी को मिले, 25 तो हैं बीजेपी के लेकिन 6 ने कर दी क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के और 3 निर्दलीय भी आ गए, तो इस तरीके से इनके पास 34 हो गए। अब जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो देखिए उनके पास में 34 वोट तो आए, 40 के 40 वोट यूं तो आने चाहिए थे, जो परंपरा रहती है राज्यसभा के चुनाव में अगर आपकी सरकार है राज्य के अंदर, लेकिन यहां 6 जो वोट है वो हो गई क्रॉस वोटिंग और इसी में अभिषेक मनु सिंघवी हार जाते हैं। ये हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। हर्ष महाजन कल जो जीत जाते हैं बीजेपी के उम्मीदवार, 25 तो हैं बीजेपी के विधायक तो ये तो मिल नहीं थे, 6 ये विधायक हैं ये क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, ये होते हैं कांग्रेस के विधायक, और 3 निर्दलीय होते हैं ये भी क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, और इसी तरीके से इनका आंकड़ा 34 पहुंच जाता है। अब आते हैं अभिषेक मनु सिंघवी पर, जिनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी चुनाव से पहले क्योंकि सरकार इन्हीं की है, लेकिन ये हार जाते हैं, कैसे, 40 इनको मिलने चाहिए थे परंपरागत तौर पर लेकिन ये नहीं मिले क्योंकि इसमें से 6 वोट जो है क्रॉस वोटिंग करके उधर चले जाते हैं और इनके पास भी 34 जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, पर्ची खोली जाती है और पर्ची खोली गई तो पर्ची में नाम निकल गया बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन का और इनका कमल खिल गया और जो जीत असंभव थी इनके लिए वो जीत इनके लिए तय हो गई। तो ये हमने आपको आंकड़ा बताया, लेकिन अपनी जीत पर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायक सीएम सुक्खू से नाराज थे, उन्होंने बोलकर क्रॉस वोटिंग किया। हर्ष महाजन ने कहा कि उनकी जीत उनकी पार्टी की जीत है और सुक्खू सरकार की नाकामियों की हार है, सुनिए जरा। मेरी नहीं, मेरी जीत जो है ये मेरी पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और सुक्खू सरकार की नाकामियों की हार है ना। और मेरे ख्याल इतनी जल्दी सरकार का कोई ग्राफ गिर जाए 1.25 साल में तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो वोट क्रॉस वोटिंग हुई है इसीलिए मेरे को हुई है कि वो विधायकों ने बोल के की है, उनको भी बता के की है कि हम आपकी सरकार से नाराज हैं। करिश्मा कर दिखाया हर्ष महाजन ने, क्या कौन है अब आपके जहन में ये होगा, तो ग्राफिक्स हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर कौन है हर्ष महाजन, कहां से आते हैं। हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहने वाले हैं, अपनी सियासत की शुरुआत ये कांग्रेस से यूं तो करते हैं, पूर्व के कैबिनेट मंत्री देशराज महाजन के ये बेटे हैं, यूथ कांग्रेस के साथ इनकी राजनीतिक का करियर की शुरुआत होती है। अब तक 3 बार विधायक चुने गए, 1993 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर आते हैं, 1998 और 2003 में भी ये विधानसभा जीतकर पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश के पशुपालन मंत्री भी रह चुके हैं, सितंबर 2022 में कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। हिमाचल में बीजेपी की असंभव सी दिखने वाली जीत को हासिल करने के बाद पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि देश भर में कांग्रेस को छोड़ने का माहौल बन रहा है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश भर में एक दौर ऐसा चला है कि सब कांग्रेस पार्टी छोड़ गए और ये सब सारा श्रेय अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जाता है और विशेष तौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं, भाजपा के और जहां कांग्रेस के भी कुछ साथियों ने हमारी मदद की उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और निर्दलीय विधायकों का भी। बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है वो आप सुन रहे हैं। इधर बीजेपी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मौजूदा सरकार से प्रदेश की जनता और विधायकों का मोह खत्म हो गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नैतिक और कानूनी आधार पर बहुमत खो चुके, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार बहुमत खो चुकी है, मॉरली लीगली उसे स्टेप डाउन करना चाहिए। इतना हमको आज आपसे कहना है। शेष और माननीय जयराम जी कहेंगे और हर्ष जी कहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी, जो चुनाव से पहले अपनी जीत लगभग तय मान रहे थे, वो बीजेपी की जीत पर हमला बोलते हैं बीजेपी पर और कहते हैं कि भारत में शायद पहली बार 34-34 का आंकड़ा है और एक भी इनवैलिड वोट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर विधायक ने उनके साथ नाश्ता और डिनर भी किया था, उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि नाश्ता डिनर करने वाले ये कर देंगे। उन 9 MLAs को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब MLA से कई आश्वासन दिए थे और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। विधायक जिन्होंने की क्रॉस वोटिंग और इसी क्रॉस वोटिंग के चलते असंभव जीत संभव में तब्दील हो गई बीजेपी के लिए, उन वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जिसमें आपको ये 6 नाम आप बताते हैं। राजेंद्र राणा, जिनको अभी आपने सुना ही था, पंचकुला में ये भी मौजूद है, कांग्रेस के विधायक हैं। सुधीर शर्मा कांग्रेस के विधायक, ये आते हैं धर्मशाला से, इन्होंने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। देवेंद्र भुट्टा कुटेलर से आते हैं कांग्रेस के विधायक, ये भी पंचकुला में नाराज हैं, ये भी यही कह रहे हैं कि सीएम का फेस बदल दीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे। इंदर दत्त लखनपाल बरसार विधानसभा से कांग्रेस के विधायक, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और लास्ट नाम है चैतन्य शर्मा गगरेट विधानसभा से आते हैं ये कांग्रेस के विधायक। और 3 नाम ऐसे भी है जो निर्दलीय है, आशीष शर्मा हमीरपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं, होशियार सिंह देहरा विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं, जो चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। KL ठाकुर नालागढ़ विधानसभा से आते हैं, निर्दलीय विधायक हैं, कांग्रेस को समर्थन देने के बावजूद भी ये क्रॉस वोटिंग करते हैं और बीजेपी को समर्थन दे देते हैं। कल खेला सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ,